हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शनिस्ट। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ मेजर। जी हाँ, ये मूवी हमारे जो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जी, उनकी लाइफ के ऊपर है और उनका जो बलिदान था, जो उन्होंने 26/11 के वक्त अपना जीवन का बलिदान किया, उन्होंने जो वहाँ पे जो शहीद हुए थे आतंकवादियों से लड़ते वक्त, ताज मुंबई के जो इंसिडेंट, जो बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक था, उसको मतलब उसको बर्बाद करने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई थी और उन्होंने अंतिम दौरान में वो शहीद हो गए। और हमारे नागरिकों को, हमारे देश को वो सम्मान वो दिलाया, वो साहस दिखाया अपने जीवन का। तो उन्हीं के जीवन के ऊपर ये मूवी बनी है, जो अभी तक हमारे मतलब चारों तरफ से खबर आ रही है कि आप लोगों ने अभी रिएक्शन क्यों नहीं दिया। ये रियली सॉरी कि हमें ज़रा देर हो गई, लेकिन इस पर रिएक्शन ज़रूर देना बनता है, क्योंकि ये हमारे हमारे देश की बहुत इम्पोर्टेंट एक कहानी है, एक फौलादी जिगर वाले एक इंसान की, जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा, उनके उनके लाइफ के जैसे। और भी हमें ऐसी मूवीज देखने को मिलेगी जैसे, और काफी ऐसे और गिने चुने और ऐसे जवान हैं जो हमारे देश के लिए आए दिन लड़ते हैं। और आज जो हम यहाँ पे बैठ के आराम से अपने चेयर में बैठ के रिएक्शन करते हैं, कोई एक सिपाही वहाँ पे बॉर्डर पे अभी खड़ा हुआ है, धूप सर्दी गर्मी कुछ पता नहीं चलता उनको, ऐसे ही है, ऐसे वैसे एक सुपर हीरो इंसान के ऊपर हम उसके ऊपर एक ट्रेलर देखने जा रहे हैं। गाइस, मैं पहले इसके ऊपर, गाइस हम दोनों रिएक्ट करेंगे, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे और उस घटना के बारे में भी बात करेंगे। बिल्कुल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द ट्रेलर राइट नाउ। बॉर्डर पार करके पाकिस्तान और जो बैठ कश्मीर क्यों गए सर? ये हमारी तरफ है और वो उनकी, हमारा ही तो है सर। संदीप उठो, वो अच्छे लोग नहीं है, बहुत बुरे लोग हैं। पता है मैं कितना डर गई थी। क्यों माँ? मैं अकेली हूँ ना। बेटा ये एंटी महेश बाबू, हर माँ ऐसे ही सोचेगी तो बनना चाहते हैं ताकि सारी लड़कियां तुम पे फिदा हो जाए। उसके लिए अच्छा बेटा बनने से ज्यादा, एक अच्छा पति बनने से ज्यादा, कहीं ज्यादा जरूरी था एक सोल्जर बनना। पर हमारे इनएक्शन की वजह से अगर एक ही जान के तो मैं जिंदगी में फिर कभी अपने आप को सोल्जर नहीं बुला पाऊंगा सर। एनएस जी, 24 घंटे हो गए, अब कब उठेंगे? मेजर संदीप कब है? उसने मौत की आंखों में आंखें डालकर कहा कि तुम मेरी जान ले सकते हो, लेकिन मेरे मेरी बेटी की कहानी सिर्फ उस अटैक के बारे में नहीं है, उसकी अपनी एक जिंदगी है। जान दूंगा देश नहीं है। परफेक्ट परफेक्ट गाइस। सो गाइस, हम लोगों ने अभी रिएक्ट किया मेजर ऑन द ट्रेलर फॉर मेजर, जो बेसिकली रिलीज होने वाली है मूवी 3 जून को इसी साल। तो इस मूवी के हीरो है जो बेसिकली मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का जो रोल प्ले कर रहे हैं इज आदिवी शेष। इससे पहले उनकी और सारी मूवीज का मैंने मूवीज के बारे में मैंने सुना है तेलुगु मूवी इंडस्ट्री में, क्योंकि वो बहुत सारे सस्पेंस मूवीज करते हैं और काफी टेरिफिक मूवी है जो थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, तो उनका काफी नाम है वहां पे। तो आई गेस ये उनकी पहली हिंदी मूवी होगी। आई गेस ये मल्टीलिंगुअल मूवी है, तो हम ये कह नहीं सकते कि ये हिंदी मूवी है, लेकिन इसको हर भाषा में किया गया। अब हिंदी और तेलुगु और तमिल जैसी कोई बात है, कोई बात पैन इंडियन मूवी हो गई है।
सो इट्स ऑल द सेम सो मुझे अभी तक इतने गाइस जो मैं देख रहा था ना, और हर एक डायलॉग पे, हर एक बात पे, क्योंकि ये सारी चीजें हुई हैं, यू नो, मेजर उन्नी कृष्णन के जबान से ये बात निकली है जो आखिरी बार के लिए, आप लोग जाओ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं उनको आगे नहीं बढ़ने दूंगा, ये उनके लास्ट वर्ड्स थे। तो समझ सकते हैं गाइस कि एक इंसान का दिल शेर का नहीं, मतलब लोहे का होना है, मतलब वो जिगर लेके इंसान पैदा होता है कि ऐसे बात वो कह पाए, या तब जाके कोई सोल्जर बनता है। सोल्जर का लाइफ जो चूज करता है वो, मतलब वैसे ऐसी जिंदगी है वो किसी ने नहीं सोची होगी, देश के लिए जीता है, देश के लिए ही मरता है वो इंसान। क्योंकि गाइस कुछ ऐसे हम ट्रेलर देखते हैं जिसमें कुछ कुछ सीन ऐसे दिखाए जाते हैं, ऐसे ही एक्शन सीन हमें देखने को मिलते हैं, पर उससे ये ढेर गुना काफी बेहतर और क्योंकि अलग है, क्योंकि वो फिक्शनल है और ये फिक्शनल नहीं है। यहाँ पे एग्जीक्यूशन भी फिल्मिंग का बहुत मुझे काफी अच्छा लगा। जो इंटेंसिटी एक जो सिचुएशन की है वो दिखाया गया है और वो काफी बढ़िया दिखाया गया, मुझे काफी अच्छा लगा। और जैसे कि उनका जो पर्सनल लाइफ है, वो जैसे कि वो कह रहे हैं कि प्रकाश राज जी कह रहे हैं कि वो खिलाफ थे उनके उनके बेटे के उस डिसीशन से कि वो डिफेंस में जाए, तो वो भी उन्हें अच्छा नहीं लगा। पर वो एक मॉम्स के जो मतलब मदर के जो लाडले बेटे हैं, वैसे दिखाया गया, रेवती जी बहुत सालों बाद मैंने उनको देखा किसी हिंदी लैंग्वेज मूवी में, हम दोनों या फिर हम लोग जितने भी, मैंने तो उन्हें कई सालों से नहीं देखा, शायद साउथ में वो एक्टिव हैं। और साई मांजरेकर जी को लास्ट हम लोगों ने शायद दबंग 3 में देखा था, आई गेस वो उनकी आखिरी मूवी होगी। तो उसके बाद आज सी हर अगेन इन दिस मूवी, काफी अच्छे, और शोभिता धुलीवाला भी है जो काफी एविडेंट है, जो उन्होंने मेड इन हेवन की है Amazon Prime में, which was quite famous। और मुरली शर्मा जी भी है, जो मुरली शर्मा वैसे भी वो काफी ज्यादा एक्टिव है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, तमिल कह लीजिए, तेलुगु कह लीजिए। मैंने आला वैकुंठ पुरमलो में उनकी एक्टिंग देखी थी, क्या कमाल एक्टिंग करता है बॉस, क्या कॉमेडी करते हैं वो। और आदिवी शेष के बारे में अगर मैं बात करूं तो उनको, मतलब मैं मेजर लेख श्री मेजर उन्नी कृष्णन जी के मैं ओरिजिनल फोटो में उनकी देख चुका हूं, तो काफी ज्यादा उनका फेस मैच करता है और रिजेंब्लेंस है, और उनका जो एक्टिंग है मुझे तो बिल्कुल लगा कि ये मेजर संदीप उन्नी कृष्णन जी है, ऐसे ही होंगे शायद, और वैसा ही लगता है, ठीक ऐसा ही कुछ इंप्रेशन हमें लगा था जब व्हेन वी वॉच्ड शेरशाह एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा वाज रियली गुड विद दैट एक्टिंग। और विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा की फैमिली है, उन्होंने खुद उनको सिद्धार्थ मल्होत्रा को चूज किया था कि मैं उन्हीं को अपने बेटे का रोल करते हुए देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ, उनके पेरेंट्स ने ये कहा था। क्योंकि गाइस अगर हम उस दिन के बारे में, उस डार्केस्ट डे के बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो ऐसे कई सारे एक दिन में कई सारे हमारे देश के जितने भी जवान थे जो हमारे देश की रखवाली करते हैं, उनको हम लोगों ने खो दिया। काफ़ी बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर थे, आर्मी ऑफिसर्स थे, या फिर और भी बहुत सारे कमांडोज थे, काफ़ी बहुत सारी कैजुअल्टीज हुई थी उस दिन। हम सब उस दिन को अभी भी याद करते हैं, तो क्या डरावना दिन था गाइस। लेकिन जैसे हमारे देश में काफ़ी जितने दुश्मन भी आए थे उनसे लड़ने के लिए हर एक इंडियन तब फॉलोअप की तरह, एक सोल्जर की तरह खड़ा हुआ था, हर एक इंसान लड़ा। जैसे एनर्जी कमांडोज थे जिन्होंने उस वक्त लड़ा था, और ATS की टीम थी जिनमें बहुत सारे लोग शहीद हुए थे, बहुत ऐसे लोग थे जो नागरिक थे नॉर्मल, वो भी डटे रहे। तो हर एक का बलिदान यहाँ इस देश को, देश हमारा भारत बनाता है। तो अल्टीमेटली अगर इस मूवी के बारे में बात करें, जरा कास्ट के बारे में हम लोगों ने तो ऑलरेडी बात कर ली है, जरा देख लेते हैं इस मूवी को कौन डायरेक्ट किया, किसने डायरेक्ट किया है। सो बेसिकली गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है मिस्टर शशिकरण टिक्का ने, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है जी महेश बाबू और सोनी पिक्चर्स ने, दैट इज अ कंबाइंड एफर्ट। और वो प्रोडक्शन वैल्यू, उसका जो एग्जीक्यूशन है, हमें काफी अच्छा लगा है। और आई होप जब ये 3 जून को ये मूवी थिएटर्स में रिलीज होगी, दैट इट डज दैट जस्टिस विच वी हैव बीन लुकिंग फॉर, क्योंकि एक एक नॉर्मल इंसान के बारे में बात नहीं हो रही। आप सब लोग फिक्शनल स्टोरी काफी देखते हैं, काफी देख के उन्हें मजा आता है, पर ये आप लोगों को जरूर देखनी है गाइस, क्योंकि कुछ ऐसे वॉरियर्स हैं, हमारे सोल्जर्स हैं, जिनकी एक हम देश के लिए जो बलिदान करते हैं वो काफी काफी अननोटिस हो जाती है, और लोग इसके बारे में चर्चा नहीं करते। तो मैं हम दोनों का यही मानना है कि अगर आप लोग कुछ मास एंटरटेनर मूवी भी देखते हैं तो आपको ये भी देखनी चाहिए। और हम कहना चाहते हैं आपसे, सो गाइस यही था रिएक्शन ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ मेजर।
आपको ये रिएक्शन कैसा लगा, आपको ये ट्रेलर कैसा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। एंड कीप वेटिंग फॉर अस, कीप वोटिंग एंड कीप आई मीन टू से दैट कीप लाइकिंग अस एंड कीप सब्सक्राइबिंग अस एंड कमेंट में जाके हमें बताइए कि हमारा ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा और कैसे कैसे वीडियोस पे, कैसे ट्रेलर्स पे, कैसे यू नो कंटेंट्स पे आप चाहते हैं कि हम रिएक्ट करें। सो कीप लविंग अस, कीप सब्सक्राइबिंग अस एंड कीप रिव्यूइंग अस ऑन आवर रिव्यूज एंड टिल देन आई से गुड बाय टू यू। बाय।